Subscribe under 24-7 and press the bell icon.

कवर किया था डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज उसके अंदर जो कमांड थी हमारी जिसमें क्रिएट था आपका ऑल्टर था ड्रॉप था, था ट्रंकेट था ये सारी कमांड मैंने कवर की थी अब बात करूंगा डीएमएल की यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की राइट तो उसकी आज हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं स्लाइड पर हमारा डीएमएल का नेक्स्ट पॉइंट तो देखो सर ये है हमारा डीएमएल डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक का मतलब आपकी बात कर रहे हैं अगर तो इसका फुल फॉर्म होता है डेटा मैनिपुलेशन टेक्निक या लैंग्वेज राइट इसका काम क्या काम देखते हैं पहले हमने लास्ट क्लास में देखा था कि भाई डीडीएल का काम क्या था कि आपका जो डेटा जो डेटा स्ट्रक्चर है उसको कौन क्रिएट कर रहा है आपका डीडीएल यानी कि अगर मेरा मुझे क्या करना है अगर टेबल बनानी है राइट टेबल को क्रिएट करना है डेटाबेस को क्रिएट करना है तो मैं क्या यूज़ कर रहा था डी लेकिन अब जब मेरा स्ट्रक्चर बन गया राइट बिकॉज डी डी एल डिफाइन द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटा बेस आफ्टर क्रिएटिंग द डेटा बेस स्ट्रक्चर वी नीड टू पुट द डेटा नीड टू इंसर्ट द डेटा तो डेटा को अगर इंसर्ट करना है आपको तो हमें क्या करना पड़ेगा डी डी एल डीएमएल को यूज करना होगा राइट डीएमएल मतलब आपका यह है कि अगर आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं अगर आप डेटा को अपडेट करना चाहते हैं तो यू हैव टू यूज डी लिखा हुआ है डीएमएल डेटा मैनेजमेंट टेक्निक लैंग्वेज दिट यूज फॉर एक्सेसिंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा इन द डेटा इट हैंडल्स यूजर रिक्वेस्ट

जो भी आपका पुराना डेटा है या पुराने डे को चेंज करना है नए डेटा में तो क्या करेंगे आप अपडेट लेकिन अगर आपको डेटा को क्या करना है सर डिलीट करना है कंप्लीटली तो आप डेटा को डिलीट कर सकते हैं किससे डिलीट कमांड से अब यहाँ पे आप कहोगे सर कि डिलीट कमांड से डिलीट कर रहे हैं अगर आप तो सर डिलीट तो हमने पीछे भी किया था जिसमें आपने टेबल डिलीट की थी आपने पूरा जो डेटा भी डिलीट किया था तो उसमें आपने ड्रॉप कमांड चलाई थी आप डिलीट यहाँ भी कर रहे हो तो ड्रॉप और डिलीट दोनों चीज़ें क्या हैं डिफरेंट है और मैं इनका आपको डिफरेंट बता चुका हूँ फिर भी एक बार बता देता हूँ कि डिलीट कमांड से आप केबल और केबल क्या कर रहे हैं डेटा को डिलीट कर रहे हैं किसको कर रहे हैं केबल डेटा को राइट लेकिन आप ड्रॉप से पूरा जो स्ट्रक्चर है उसको डिलीट करते हैं ठीक है मेरे को यहाँ पर मान लो जीरो जीरो वन ज़ीरो ज़ीरो टू ये डेटा डालना है यहाँ पे मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मान लो राइट और मुझे इसके अंदर कुछ भी अपडेट करना है यहाँ मेरे को नेम नेम मान लो मेरे ए बी सी डी ये नाम डालने हैं राइट right? तो ये मेरा क्या है इंसर्ट करना हो गया ठीक है जो किससे करूंगा मैं इंसर्ट कमांड से अपडेट से मान लो मुझे लगता है कि यार नहीं यार जीरो जो थ्री था यहां पर जीरो जीरो टू है इसको चेंज करना है तो मैं उसको अपडेट कर सकता हूं मर्ज है आपकी कमांड एक और मर्ज से क्या हो रहा है इट परफॉर्म ठीक है अपसर्ट ऑपरेशन फॉर एग्जाम्पल अगर आपको इंसर्ट और अपडेट को ऑपरेशन को मर्ज करना है तो इसे कर सकते हैं एक कॉल कमांड होती है इट इज यूज टू कॉल द स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज और जावा सब प्रोग्राम को आप जो है कॉल कर सकते हैं एक्सप्लेन प्लान ये आपका कमांड uh, है लॉक टेबल तो इट कंट्रोल द कंकरेंसी तो इस तरीके से आप यहाँ पर डी एम एल कमांड का यूज़ कर सकते हैं ठीक है आई होप ये आपको क्लियर हो गया और डी एम एल का यूज तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं आपके डी एम एल को लेकर के वो तीन कमांड से बनते हैं एक आपका इंसर्ट डिलीट और अपडेट चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर एस क्यू एल इंसर्ट जो स्टेटमेंट है वो मैंने आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसमें अगर थोड़ा सा अंदर जाते हैं डीपली तो देखो यार एस क्यू एल जो स्टेटमेंट है वो कहता है कि जब क्वेरी रन कराते हैं तो इट इज़ यूज टू इंसर्ट द सिंगल और मल्टीपल रिकॉर्ड इन अ टेबल क्या सिंटेक्स रहेगा उसका एस क्यू एल इंसर्ट इंटू स्टेटमेंट जैसे आप देखो यार इंसर्ट है ये रहा आपका इंसर्ट इंटू मान लो एजेंट नाम की टेबल है कोई भी वैल्यू दी आपने उसमें ये जोड़ी सीढ़ी का नाम डाला और डेट डाली उसका एजेंट का कोड डाला जिसमें आपने देखा कि ये एजेंट कोड है ये एजेंट नेम है ये वर्किंग एरिया हो गया ये इसका कमीशन और इसका फ़ोन नंबर इस तरीके से आपने इसमें क्या कर दिया इन्फॉर्मेशन को इंसर्ट कर दिया तो इस तरीके से ये इसका एक सिंटेक्स मैंने वक्त पुलिस साहब ने दे दिया कि किस तरीके से आप डेटा को इंसर्ट करेंगे तो सब बच्चों ध्यान रखिएगा जो बच्चे ऐसे हैं जो एस तैयारी कर रहे हैं स्पेशली एस को ठीक है तो उसके लिए ये पार्ट आपके लिए मैं डी के लेके आया हूँ ठीक है तो इसमें हम लोग पार्ट वन से लेकर के आज पार्ट हमारा एड चल रहा है कोई भी अगर आपको लगता है पार्ट मिसिंग है तो आप सीधा कहाँ जाएंगे आपके प्ले पर उसमें आपको पूरे पार्ट मिल जाएंगे ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर ये रहा आपका नेक्स्ट पॉइंट एस अपडेट का ये आपका ये कमांड है तो उसका अपडेट कैसे आप करते हैं ठीक है थीके? तो देखो यार अपडेट अगर आपको करना है स्ट्रीटमेंट में तो अपडेट स्टूडेंट स्टूडेंट क्या हो गया यहाँ पे हमारा टेबल का नाम हो गया सेट यूजर यूजर नेम बींग हनुमान और वेयर कहां पर जिसकी आईडी क्या है थ्री है यानी कि हमने यहाँ पे वेयर क्या लगा दिया कंडीशन लगा दी जिसकी आईडी क्या है थ्री है तो उसमें क्या कर देगा ये आपका इसका यूजर नेम डेट को अपडेट कर देगा ठीक है नेक्स्ट एसक्यूएल डिलीट डिलीट कमांड से क्या है आपका तो एसक्यूएल डिलीट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू डिलीट द रो फ्रॉम अ टेबल अब इसका देखो सीधा सा हम आते हैं सीधे यहाँ पर स्टेटमेंट फ्रॉम टेबल और वेयर कंडीशन ये सेंटेक्स याद रखिएगा कि भैया डिलीट करना है कहाँ से किस टेबल का नाम देना है और फिर कंडीशन लगानी है वेयर ठीक है बट इफ़ यू डू नॉट स्पेसिफाई द वेयर कंडीशन इट विल रिमूव ऑल द रोज ये याद रखिएगा यानी कि अगर आपने वेयर कंडीशन नहीं लगाई तो क्या करेगा वो सारा रिकॉर्ड को डिलीट कर सकता है तो इसलिए आपको वो कंडीशन लगाने की लगानी है कि भाई आप कहाँ किस स्टूडेंट की अब डिटेल को डिलीट कर रहे हैं या फिर उसको अपडेट कर रहे हैं आप ठीक है तो आपने वेयर कंडीशन लगा करके आप उसको सेट कर सकते हैं तो ये कमांड था हमारा डी एम एल का अब यहाँ पर इन्होंने एक बार और मैंने आपको डिफरेंस बता दे रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड ट्रंकेट तो डिफरेंस बिटवीन द ट्रंकेट एंड डिलीट में क्या है कि भाई देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द डिलीट एंड ट्रंकेट स्टेटमेंट डिलीट स्टेटमेंट ओनली डिलीट द रोज फ्रॉम द टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन डिफाइंड बाई वेयर क्लॉज और डिलीट ऑल रोज द फ्रॉम द टेबल वेयर कंडीशन नॉट स्पेसिफाइड यानी डिलीट क्या करेगी आपकी रो को डिलीट करेगी और अगर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं किया तो वो सबको डिलीट कर देगी लेकिन ट्रंकेट स्टेटमेंट इज यूज टू डिलीट द ऑल द रोज फ्रॉम द टेबल एंड फ्री द कंटेनिंग स्पेस यानी कि सबको डिलीट कर देगी केवल स्पेस आपका फ्री रह जाएगा बस यानी स्ट्रक्चर रह जाएगा बाकी सारा डेटा क्या होगा डिलीट क्लियर नेक्स्ट डेटा अब आता है सर डी सी एल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज यार देखो यहाँ पर बड़ा पॉइंट अच्छा आता है डी के अंदर क्या होता है डेटा को कंट्रोल किया जाता है यार और कंट्रोल में क्या होता है आपको सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका पॉइंट रहता है कि किस यूजर्स को आप राइट्स दे रहे हैं कि वो क्या क्या चेंज कर सके और कौन से यूजर को आप राइट्स के लिए मना कर रहे हैं कि वो कौन से चेंज नहीं करें फॉर एग्जाम्पल सपोज डैट आपने किसी चीज़ को राइट दे दिए और उनका उसने गलत फ़ायदा उठा लिया ठीक है और भाई क्या किया जैसे अभी देखा था कुछ दिनों पहले रोबोट मूवी आई थी राइट तो उसको कुछ राइट मिले तो उसने क्या किया तो राइट्स का गलत फ़ायदा उठा करके अपने कंट्रोल में सारी चीज लेकर के उसने अपने अकॉर्डिंग काम किया अब उन कंट्रोल जो आपने दे दिया है उसको आपको क्या करना है रिमूव करना है तो उसके लिए क्या काम चलाते हैं हम लोग रिवॉक और परमिशन देनी है आपको तो उसके लिए ग्रांट देखो रहा

ये सारी कमांड आपकी किसकी होती हैं डी सी एल की होती हैं डेटा कंट्रोल लैंग्वेज की होती हैं ठीक है चलिए अब डेटा बेस्ड ऑब्जेक्ट आप बात करते हैं भाई कौन कौन से आपके यहाँ पे प्रेज बन जाते हैं तो देखो यहाँ पर एक कमांड चलाई है मैंने आपके लिए जिसमें एस क्यू एल ग्रांड कमांड दे करके मैं किसी भी यूज़र को क्या कर रहा हूँ राइट्स दे रहा हूँ पेविलजेस वन देने हैं टू देने हैं दे सकते हैं दूसरी कमांड में हमने एस क्यू एल रिवॉक दिया है ठीक है कि कैसे हम लोग रिवॉक करते हैं राइट्स को किसी भी यूजर को अगर राइट दे रखे हैं तो उसको रिमूव भी कैसे करना है वो भी मैंने आपको बताया है ठीक है भाई तो ये हमारी कमांड हो गई इसकी नेक्स्ट पॉइंट है आपका टी सी एल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज राइट ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर क्या है सर ट्रांजेक्शन को कंट्रोल किया जा रहा है ठीक है कमांड यूज टू मैनेज द ट्रांजेक्शन इन द डेटाबेस जो भी ट्रांजेक्शन आपका मैनेज आपका हो रहा है डेटाबेस के अंदर उसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए हम चाहते हैं आपका टी सी एल राइट दीज आर यूज टू मैनेज द चेंजेस मेड अप मेड टू द डेटा इन टेबल बाई डी एम एल कमांड राइट कमिट और रोल बैक दो पॉइंट सर आपके यहाँ पर हैं एक कमिट है एक, एक रोल बैक है कमिट इट इज़ यूज टू रिस्टोर द डेटा बेस टू ऑरिजिनल सिंस द लास्ट कमिट मतलब कहने का ये हुआ आपका कि जो डी डी एल है या हम ये कहें जो डी एम एल है राइट तो जो रोल बैक का हमारा जो आपका रोल बैक का क्या करता है भाई आपने देखा होगा पैसा निकाला आपने कई बार ए टी एम से निकालते हैं पैसा आप और पैसा आपने निकाला लेकिन पैसा नहीं निकला अकाउंट डेबिट हो गया लेकिन पैसा हाथ में नहीं आया क्योंकि कहीं कही ना कहीं किसी रीजन से ट्रांजेक्शन इनकन्सिस्टेंसी हुई और उसकी वजह से आपका पैसा आपको नहीं मिला लेकिन सर्वर फेल हुआ हो या पावर ऑफ हुई हो या सिस्टम फेल हुआ हो कोई भी दिन हो सकता है ऐसे केस में आप क्या करते हैं सब पैसा नहीं मिलता है आपको तो तो सीधा आप कंप्लेन करते हो और जो पर्ची होती है आपका स्लिप मिलती है उसमें डिक्लाइन लिखा रहता है कभी भी देखना ध्यान से आप लोग वो डिक्लाइन वाली पर्ची आप हमेशा अपने पास रखते हो कि इन केस अगर पैसा आप वापस नहीं आया तो आप उस टाइम पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसको दिखा सकते हैं एज अ प्रूफ के बेसिस पर तो वो हमारा कैसे होता है आपका वो होता है डी आपका रोल बैक से तो रोल बैक क्या करता है तरीके से अंडू करता है ट्रांजेक्शन अंडू ट्रांजेक्शन ठीक है तो आप देख रहे हो यहां पर ये यह आपका स्टूडेंट है यहां पर इन्होंने देखा कि भैया अपडेट किया है ठीक है और यहां पर इसको क्या किया कमिट किया ठीक है कमिट हो जाएगा अगर हाँ अगर कमिट हो गया तो इट इज यूज टू सेव द ट्रांजेक्शन डेटा बेस फिर पैसा वापस नहीं मिलेगा क्योंकि कमिट नहीं होता है जब तक रोल बैक हो सकता है कमिट होने के बाद क्या मतलब है सेव द ट्रांजेक्शन सेव ठीक है तो इस तरीके से आप यहां पर टी सी एल का यूज देख रहे हैं कि दो कमांडें आपकी हैं एक रोल बैक जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है ये तरीके से कह सकते हो अंडू द ट्रांजेक्शन जो भी आप ट्रांसन कर रहे हैं किसी रीजन से ट्रांसन नहीं हुआ है आपका तो उसको रॉल बैक कर देगा ठीक है पॉइंट क्लियर यहाँ तक चलिए कोई भी डाउट रहता है बच्चों कोई भी कंडीशन आपको लगता है कि हाँ हम ये पॉइंट में पूछना है तो सीधा आप वीडियो के नीचे लिंक पर क्लिक करके आप वहाँ पर उसको कमेंट कर सकते हैं कि यहाँ हमें ये डाउट है ये हम लोग डेटाबेस के अंदर जो हमारी एस की लैंग्वेजेस हैं वो हम लोग कवर कर रहे हैं आई होप कि आपको सारे क्लियर होंगे फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं आगे बढ़ते हैं ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट क्या होता है ठीक है कैसे ये ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट काम करता है राइट और इसके अंदर कौन कौन सी इम्पोर्टेंट पॉइंट और किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं आपके इसके अंदर ठीक है ये हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट पर बस समझ रहे हैं आप यानी कि अब जो हमारा पार्ट होने वाला है वो कौन सा पार्ट होगा आपका पार्ट नाइन ठीक है तो ये जो हमारा पार्ट होगा इसमें हम क्या बात करेंगे सर ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट की क्लियर फिर मैं इसकी बाद आपके लिए कुछ एम सी क्यू लेके आऊँगा ठीक है जो आपको एम सी क्यू पढ़ाए जाएंगे राइट जिसमें आपको डेटाबेस के रिगार्डिंग और एस ओ आई टी की रिगार्डिंग भी आपको एम सी क्यू में दूंगा तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे भाई यह जरा क्या दिखा दीजिए स्क्रीन पर एक बार तो ये जो है हमारा ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट ये हम कवर करने वाले नेक्स्ट क्लास में यानी कि पार्ट नाइन में भाई जरा दिखा दो मुझे स्क्रीन पर कोई है कि नहीं पे अरे पूरा दिखाओ यार अब खत्म अब मैं कर, बोल रहा हूँ पार्ट पार्ट नाइन में कराऊंगा इसको मैं तो भाई ये हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट आपका पार्ट एट यानी कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट से रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम कवर करने वाले हैं आपके पार्ट नाइन में तो तब तक के लिए आप इंतजार करिएगा नेक्स्ट वीडियो आपको मिलने वाला है पार्ट नाइन तो आप प्रॉपर डिस्प्ले जो है आपको देखने वीडियोस तो आप कहाँ जा सकते हैं अपने हमारा जो डटू वोट सेवन है उसमें बैंकिंग चैनल पर आपको एस बी आई एस ओ आई टी से रिगार्डिंग एक बनी हुई है प्ले लिस्ट वहाँ पर जा कर के सारे पार्ट देख सकते हैं ठीक है बच्चों तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर धन्यवाद